नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कल जो एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। तो कल हमने बैंक निफ्टी में बात करी थी कि बॉस नेगेटिव हम प्लान नहीं करेंगे, पॉजिटिव हम प्लान करेंगे जब मार्केट 51,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उसके बाद ही आप अपसाइड पर हम प्लान कर सकते हैं। और मार्केट में गैप डाउन मार्केट ने ओपन किया और इसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता रहा। अभी देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैम, हमने जैसे यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो था, ठीक है। मतलब गैप डाउन होना एक नेगेटिव सिनेरियो का इंडिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमने सेलिंग के लिए क्यों नहीं अप्रोच किया था मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बुलिश मूव दिखाता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस मार्केट अब क्या करे, या तो ये 51,000 के लेवल को क्रॉस करे, क्योंकि अब ये बन गया है इनसाइड बार, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इनसाइड बार यहाँ पर मार्केट ने बना दिया। अब इनसाइड बार के नीचे यहाँ पर अगर मार्केट नीचे क्रॉस करेगा तब जाके हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके उसके पहले हम कोई भी चीज़ नेगेटिव यहाँ पर प्लान नहीं कर पाएंगे। तो अगर जब ये नीचे जाएगा यहाँ से, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ मैं एक नेगेटिव ट्रेड प्लान करूँ। और इसके लिए हमने बीच के लिए इसलिए यहाँ पर आज के लिए इसलिए नेगेटिव मना किया था क्योंकि बॉस ऑलरेडी मार्केट बुलिश मूव कर रहा है, तो जब तक कि कोई प्राइस एक्शन हमें नहीं दिखाई देता है तब तक हमें यहाँ पर नेगेटिव प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक अच्छी बात यहाँ पर ये आ रही है कि मार्केट में इनसाइड बार यहाँ बनाया है और इस हाई और लो हमारे लिए अब इसके लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मदर कैंडल का जो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हमारे लिए हाई लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अगर हाई क्रॉस करता है तो हम बुलिश प्लान करेंगे, और अगर लो क्रॉस करता है तो यहाँ से हम बेयरिश प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर निफ्टी की कल की एक्सपायरी की। देखिए अगर निफ्टी कल की एक्सपायरी में मान लीजिए निफ्टी अगर कल की एक्सपायरी के लिए देखते हैं कि क्या सेटअप यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि 25,000 अभी थोड़ा एक क्रूशल लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो ये जोन आप अगर देखेंगे तो बार बार मार्केट इसको हिट कर रहा है, इस जोन को, इस लेवल को बार बार मार्केट हिट कर रहा है, विच इज 24,975 का लेवल, ठीक है। इस लेवल को मार्केट बार बार हिट कर रहा है। एक यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट हाइयर लेवल से बार बार मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जब जब मार्केट ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर मूव करने की इसने कोशिश करी, फिर से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो अगर मार्केट यहीं इसी जोन में कहीं फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है इसकी, तो भी तो फिर से थोड़े चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि मार्केट साइडवेज निकाल दे अपने आप को, ठीक है। क्योंकि लोअर साइड पे मार्केट में सपोर्ट है और हायर साइड पे मार्केट में रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मिलके मार्केट में एक रेंज बना सकता है। ये वाला 100 या जितने भी 150 पॉइंट की रेंज है, ये मार्केट में एक रेंज बन जाएगी कल के लिए। तो इस रेंज के बाहर जब तक मार्केट नहीं मूव करेगा तब तक मैं कॉन्फिडेंटली, अभी देखिए मैं बेयरिश ट्रेड कॉन्फिडेंटली यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। उसका रीजन सिंपल सा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट को शॉर्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया अनलेस यू सी सम सीरियस प्राइस एक्शन, ठीक है। मार्केट इतना एफर्ट लगा के यहाँ तक पहुँचा है तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं यार ये ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। मार्केट पहले एक रेड कैंडल कुछ इस तरीके की बनाए, ठीक है, उसके बाद जब मार्केट फॉलो अप देगा तो देन इट्स अपॉर्चुनिटी, तब ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हम मार्केट में कुछ बेरिश प्लान कर सकते हैं। उससे पहले कोई सेंस नहीं बनेगा बेरिश प्लान करने का, ठीक है। और बुलिश प्लान करने के लिए मार्केट को सबसे पहले ये जो आज का लेवल है विच इज 25,125 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट मूव कर सकता है। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी ये मंथली क्लोजिंग एक बार मुझे लगता है हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान करेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ में एक अच्छा मोमेंटम हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और अच्छे मोमेंटम के लिए तो मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ से बैंक निफ्टी में हाई लो मार्क करे, इनसाइड बार बनी है जो बहुत अच्छा प्ले आउट हो सकती है मार्केट में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में भी ये देखने में समझ में आ रहा है कि लोअर लेवल्स पर अच्छे खासे सपोर्ट्स बने हुए हैं। ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स अभी लोअर लेवल्स पे बने हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा नीचे डाउन साइड का मैं ट्रेड निफ्टी में इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोअर लेवल्स पर बहुत अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं,
तो जब तक ये सपोर्ट यहाँ से नहीं हटेंगे तो मुझे लगता है कल की एक्सपायरी तो इसी के 25,000 के ऊपर ही होनी चाहिए। सीन जो जो भी डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी चार्ट पर दिखाई दे रहा है, उसको देखकर तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर 25,000 के ऊपर ही एक्सपायरी होनी चाहिए, चाहे साइडवेज हो जाए लेकिन यहीं पर ही ऊपर ही साइड पर एक्सपायरी होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी के लिए तो आज कोई सेंस नहीं है डिस्कस करने का। डेटा FII डेटा देखते हैं अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। जी हाँ, अपलोड हो गया है, थैंकफुली गुड। तो अभी यहाँ पर अगर FII डेटा देखें हम, तो FIIs फ्यूचर्स में अच्छा बुलिश हो रहा है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छे क्वांटिटीज में यहाँ बुलिश हो रहे हैं ये लोग। ऑप्शंस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं पिछले कुछ दिनों में, कोई बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। अब अगर 3 दिनों की बात करी जाए, कोई भी ज़्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं आए हैं। प्रो की बात करें तो ऑप्शंस में बुलिश हैं और फ्यूचर्स में नेगेटिव हैं, और काफ़ी नेगेटिव हैं ये लोग। ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बड़ी पोजीशंस नेगेटिव साइड पर बनाई हैं। तो FII प्रो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से। और क्लाइंट भी देखें तो वो भी फ्यूचर्स में नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली जो भी डेटा है उससे ये समझ में आ रहा है कि यार FII तो सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव साइड पर दिखाई दे रहे हैं, प्रो फ्यूचर्स में बेरिश है, ऑप्शंस में बुलिश है। ठीक है, और क्लाइंट ऑप्शंस में तो मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ही कॉल रिपोर्ट दोनों शॉर्ट करे हुए हैं, तो न्यूट्रल है और फ्यूचर्स में बेरिश है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा अभी कि ये एक बार ये पोजीशंस टर्न मतलब ये वाले एक्सपायरी टर्न आउट हो जाने दीजिए। एक्सपायरी से मेरा मतलब है कि ये जो मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है, ये जो सीन चल रहा है अभी मंथ का एंड चल रहा है, तो ये सीन एक बार क्लोज हो जाने दीजिए। उसके बाद ही हम अच्छा, या तो देखिए मार्केट ना एक हायर साइड पर या तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, या फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए बता दे कि हाँ, हिंट दे दे कि हाँ बॉस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तभी हम यहाँ पर क्लोज प्लान कर पाएंगे। और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट में, या तो एक क्लियर ब्रेकआउट हमें दिखे मार्केट में, या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई से रिट्रेस करे, ये देखना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में इनसाइड बार बना हुआ है, तो इसमें एक हमें नज़र बनाई रखनी पड़ेगी कि बॉस ये किस साइड पर ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन अभी रखेंगे आप लोग। क्वांटिटी ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, और वेट एंड वॉच की साइड पर ही यहाँ पर रहेंगे। एक बार मैं एक्सपायरी के लिए डिस्कशन ज़रूर कर लेता हूँ कि किस तरीके से आप क्या क्या प्ले आउट हो सकता है। अगर मार्केट में फ्लैट हुआ ओपनिंग, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट में इस जोन में कहीं पे मार्केट अगर ओपन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में फ्लैट हो जाएगी एक्सपायरी। गैप अप अगर ओपन होता है तो मुझे लगता है थोड़ा बुलिश साइड पर एक्सपायरी हो सकती है। बड़े मूवमेंट्स नहीं होंगे लेकिन बुलिश साइड पर एक्सपायरी यहाँ पर हो सकती है। नेगेटिव अगर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर मार्केट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है उसमें अच्छी खासी बुलिश पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, चार्ट भी बहुत बुलिश ही हैं तब से। तो अगर मार्केट में गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, तो मैं प्राइस एक्शन देख पर ही डिपेंडेंट रहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सिंसिबल के हिंदी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेंसिबल। बाय बाय।